आपका मानना है कि वेज नॉन वेज से बेटर है, आपका क्या मानना है? बाकी वेज नॉन वेज की कंट्रोवर्सी चल रही थी, हम तो ये कहेंगे वेज बेटर है भाई। केवल दो तीन चीज़ें अच्छी हैं, ये रबड़ी अच्छी है और ये एक्स्ट्राज अच्छे हैं, बाकी तो नॉर्मल खाना है। तो मैंने एक महीने से खाना मैंने एक दो दिन से खाना नहीं सुबह से खाना मतलब जैसे थोड़ा वेट कर रहा था कि ताकि मैं एक बार इसे खाऊँ अच्छे ताकि मेरे को, तो अब मैं इसको खाऊंगा तो मेरे को अच्छा लगेगा। सो हेलो गाइस, वेलकम आप सभी का। अभी मैं आ चुका हूँ अपने हॉस्टल 17 के मेस में। आप देख सकते हो पूरा जो मेस है अभी खाली है, एंड आज एक स्पेशल ओकेजन है, स्पेशल डिनर होने वाला है अपने हॉस्टल में। तो चलो हमारे मेस मैनेजर सर से पहले पूछते हैं। सर ये बताओ कि कितने लोगों का खाना बनता है? 1300 लोग का खाना बनता है। 1300 लोगों का? 1300 मतलब 1300 लोगों का खाना एक बार बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं कुछ दिक्कत नहीं है। एंड ये बताओ हमारे कितने टोटल स्टाफ वगैरह आपके यहाँ पे है? हमारे इधर 65 स्टाफ है। 65 यार, आप देख सकते हो अराउंड 60-65 स्टाफ है एंड 1300 लोगों का खाना बनता है। तो चलो अंदर आ जाओ, एक बार आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन चल रहा है अंदर में। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो जस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो ज़्यादा चीज़ें अभी लगी नहीं है, धीरे धीरे करके लगेगा। अंदर आ जाओ, किचन एरिया में आपको लेके चलते हैं जहाँ पे खाना बनता है, एंड वहाँ पे आपको जाके दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें बनने वाली है। पहले तो यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीज़ें लग चुकी है। बासुंदी है यहाँ पे, ब्लू लगून जो है वो भी रेडी हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़ नगेट है, ये वाला पनीर क्रिस्पी, ये पनीर क्रिस्पी इस साइड पे है और ये चीज़ नगेट्स है। ऑल राइट, एंड यहाँ पे चिकन नगेट्स और पेपर चिकन रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, चिकन कोल्हापुरी, ये वाला ये दोनों चिकन कोल्हापुरी है। एंड इस साइड पे आप देख सकते हो स्पेशल डिनर का वो भी लगा हुआ है मेन्यू, अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड आ जाओ आपको मैं अब सीधे अंदर ले। हेलो भैया, कैसे हो आप? ये भैया हमारे वीडियो भी देखते हैं, कैसा लगता है आपको हमारा? बहुत अच्छा लगता है। चलो अब अंदर आपको लेके चलता हूँ। अंदर जाने के लिए ये ज़रूरी है ये पहनना, तो ये मैं जल्दी से पहन लेता हूँ, ठीक है, ये पहन लेता हूँ। एंड यहाँ पे भी कुछ कुछ चीज़ें लग चुकी है, कॉर्न सैलेड यहाँ पे लग गया है, आपको पापड़ देखने को मिल जाएंगे, चटनी है, सेजवान मेयोनीज़ है और ग्रीन चटनी है। चलो इधर भी बहुत सारी चीज़ें रेडी हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टीम राइस है, वेज बिरयानी, दाल लहसुनी, पनीर लबाबदार, वेज दीवानी हांडी, यहाँ पे रायता लगने वाला है। सेम काउंटर है, इधर भी चलेगा, है ना, यहाँ पे रायता वगैरह है। तो आ जाओ अब आप, अभी आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो चलो आ जाओ अंदर चलते हैं। अभी टाइम देख सकते हो 7 बज रहे हैं, 7:15 का टाइमिंग है, बट 7 बजे के अराउंड स्टार्ट हो जाएगा। अंदर आपको लेके चलता हूँ चीज़ें किस तरीके से बनती है, क्या होता है। तो आ जाओ सर, यहाँ पे क्या बन रहा है? सर यहाँ पे ये बन रहा है पनीर क्रिस्पी बन रहा है, आगे बन रहा है अपना चिकन पेपर, ये चिकन नगेट्स, उधर पनीर नगेट्स, यहाँ पे ये चिकन फ्राई हो रहा है। और पे आप आ जाओ, यहाँ पे पनीर क्रिस्पी बन रहा था, पनीर क्रिस्पी है, ये चिकन है, चिकन पेपर, ये चिकन पेपर है, ये वो है। यहाँ पे वो फ्राई हो रहा है ना, मतलब ठीक है, ये चिकन नगेट्स है, चीज नगेट्स यहाँ पे बन रहा है, आते जाओ आप। बाकी पूरा खाना हमने पिकअप कर दिया मेन कोर्स का, वो सब पूरा खाना बन के रेडी हो चुका है। ओके सर, पूरा पूरा वो अभी हमने आपको दिखाया अभी बाहर, ये रुमाली वहाँ पे। चलो आपको दिखाते हैं रुमाली रोटी किस तरीके से बनती है। तो उनको देख सकते हैं बिल्कुल, मतलब कारीगर जो है एकदम प्रैक्टिस्ड है, स्किल्ड है, मतलब आप देख सकते हो फर्स्ट हैंड की रुमाली रोटी कुछ इस तरीके से बनती है। यहाँ पे बन के रेडी भी है, यहाँ पे नान बन रहा है ना, नान बन रहा है और तंदूरी रोटी बन रहा है, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से कुछ प्रिपरेशन चल रही है। तो अभी तो बारिश का ही माहौल, आप देख सकते हो बारिश वगैरह भी आ रहा है। तो चलो अब अंदर चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं कि क्या लोग आने स्टार्ट हुए हैं या नहीं, ठीक है। तो चलो एक बार लोगों के पास जाके देखते हैं एंड उनसे थोड़ा सा पूछते हैं कि मतलब स्पेशल डिनर के लिए उन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन किया, क्योंकि स्नैक्स तो आज था नहीं। स्पेशल डिनर के लिए क्या प्रिपरेशन किया आपने? कुछ प्रिपरेशन तो कुछ खास हुआ नहीं, बस आ गए नहा धो के तैयार हो गए। मैंने सुना आपने सुबह से नाश्ता वगैरह सब स्किप कर दिया था ताकि रात में ढेर सारा खा सके। नहीं खाना स्किप किया था, लंच स्किप किया था, लंच स्किप किया था और स्नैक्स तो था ही नहीं। हाँ स्नैक्स था नहीं, सुबह खाने के बाद ही बैठे हुए थे बस खाने के लिए। तो चलिए बिल्कुल मचा दीजिए आप स्पेशल डिनर में। तो यार एक तरफ सारे लोग देखो उधर बैठे खाना खा रहे हैं जो भी आ चुके हैं, कुछ लोग पीछे लाइन में लगे हुए हैं उस तरफ, एंड यहाँ पे ये महाशय है जो बैठ के पता नहीं क्या कर रहे हैं। सर ये बताइए कि आप क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? मैं अपने दोस्तों का वेट कर रहा हूँ, मतलब और दोस्त आ जाएंगे तो लाइन में लग जाएंगे और साथ खाना खा लेंगे। यार मतलब दोस्ती की तो मिसाल देनी पड़ेगी भाई, जय वीरू तो यूँ ही बदनाम है, असली दोस्ती तो इनकी है, दोस्त के लिए पेट को वेट करा रहा है, क्या बात है। मतलब इतनी भूख नहीं लगी है पर ठीक है, उसको ज़्यादा भूख लगी है थोड़ा, उसको वेट करा रहा है। आयुष को वेट करा रहा है, आयुष को दिखाओ। आयुष भाई कैसा लग रहा है भाई? जोर से बोल, ये ले पकड़। आयुष शर्मा रहा है भाई,
पता नहीं क्यों शर्मा रहा है भाई, शर्मा टाइटल है क्या तुम्हारा? चलो कोई बात नहीं, लाइन देख सकते हो यार, लाइन बढ़ते चली जा रही है भाई। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है और विपुल और सुमित हम लोगों से गद्दारी कर रहे हैं। हम लोग साथ में आने वाले होते हैं, आपको हमेशा पता होता है विपुल और सुमित हमारे खास मित्र हैं, बट देखो दोनों अकेले आ गए, क्यों भाई? मैं तो क्लास से आया, ऊपर गया था, रूम पे जा रहा था, लिफ्ट से निकला बाहर, इसलिए अंदर नीचे लेके आ गया, चलो खाना खाने। क्या क्या कारण है भाई फिर ऊपर जाने? अरे विनीत भाई देखो, अभी एक मित्र से भी मिलना है, वो जल्दी निकल रहा है, तो इस वजह से उसके साथ खाना है। भाई सुमित की गद्दारी जो है दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है और विपुल भी उसके नक्शे कदम पे चल रहा है। तुम्हारा अकेले का तो क्लास खत्म नहीं हुआ था, विनायक का भी हुआ था। विनायक का एक और क्लास है, एक और क्लास है उसका, 8:30। तो तुम लोग फाइनली गद्दारी कर रहे हो, तो ये देख सकते हो दो गद्दार जा रहे हैं हमें छोड़ के। प्रणव भाई ये बताओ कि कितना मोटिवेशन आप इतनी लंबी लाइन में लग के स्पेशल लेकर के लाए हो? अभी तो 7:15 है तो छोटी लाइन है, बाद में 9 बजे वगैरह आओगे तो बहुत लंबी लाइन होती है। ऑब्वियसली यार लाइन तो बढ़ने वाले। तरुण भाई इनके साथ हमने एक डील किया था, इन्होंने हमें इंडिया पाकिस्तान का टिकट दिया है और हमने इन्हें सेमीफाइनल 1 का टिकट दिया है भाई, उसके लिए थैंक यू। और स्पेशल डिनर के बारे में बताओ कुछ। बढ़िया होगा आज, एक्सपेक्टेड है बढ़िया होगा। चलो काफी दिन बाद हो रहा है, पहली बार देखते हैं। और भाई और लोगों से बात करें, ये भाई दोस्तों के लिए वेट कर रहे थे और गद्दारी कर दिया इन्होंने, देखिए ये आ गया ना दोस्त। आपने कहा था दोस्त आने वाले ढेर सारे, एक आने वाला था वो आ गया। ये गद्दारों की जब लाइन लगेगी तो इनको पहला नंबर दिया जाएगा। इसके अलावा लाइन तो यार बढ़ती ही चली जा रही है यार। रिपु दमन भाई क्या एक्सपेक्टेशन है? अरे यार ये कट करो थोड़ा, ये कट कर दो कह रहे हैं क्या? हमारे फेवरेट काशी भाई, काशी भाई बताइए, मैंने सुना आपने 3-4 दिन से खाना पीना छोड़ दिया स्पेशल डिनर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी दिन के लिए वेट कर रहा था। पहले साइड में उधर शोर बहुत ज़्यादा है, हम आपको लाइन में एंट्री दिला देंगे, टेंशन मत ले। ये बताइए क्या एक्सपेक्टेशन है? तो मैंने एक महीने से खाना मैंने एक दो दिन से खाना नहीं, सुबह से खाना मतलब जैसे थोड़ा वेट कर रहा था कि ताकि मैं एक बार इसे खाऊं अच्छे से, मेरे को तो अब मैं इसको खाऊंगा तो मेरे को अच्छा लगेगा और मैं चाहता हूं कि खाना अच्छा हो, यादगार रहे। जाओ वरना तुम्हारी लाइन में तो जाएगी। ओके आई होप आवाज़ आ रही हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइस है यार, काफ़ी ज़्यादा लोग आते ही जा रहे हैं। शैम्पी भाई भी आ चुके हैं जिन जो कि लाइन में लगने के एक्सपेक्टेशन है, लेकिन लाइन इतनी ज़्यादा है, कहाँ लगोगे? मैं तो अभी बस पानी भरने आया था। क्या करना आया था? बस पानी भरने आया हूँ। जिम गए थे क्या? नहीं जा रहा। जिम जाने वाले हैं यार, मतलब मोटिवेशन चाहिए, एक तरफ स्पेशल डिनर हो और उस समय भी जिम जाने का मोटिवेशन। क्या क्या चीज़ है जो आपको जिम की तरफ खींच रही है? ये बंदा है जिनसे मैंने शर्त लगाई है। हाँ मतलब हम दोनों के बीच में एक शर्त भी है, वो भी बता दो आपको कि मेरा वेट जो है वो नेक्स्ट महीने के एंड तक इससे कम होगा, ये हमारा चैलेंज है। क्या लगता है कौन जीतेगा? अभी तो मेरी पूरी तैयारी है कि मैं जीतूं। चलिए चलो आ जाओ, लाइन यहाँ पे फाइनली ख़त्म हो रही है, आप लास्ट इंसान है लाइन में लगने वाले। ये बताइए कि क्या मोटिवेशन है जो आपको इतनी लंबी लाइन में लास्ट में लगने पर मजबूर कर रहे हैं? पहली बार एमटेक में लाइक लास्ट टाइम मिस हुआ था। हाँ। तो इस बार पहली बार आया तो बहुत दुख हुआ होगा लास्ट टाइम। अरे हाँ थोड़ा तो है, कोई बात नहीं, इस बार आपका दुख हम उम्मीद करते हैं कि कम हो जाए। हाँ एक्सपेक्टेशन क्या है? ठीक है उतना, 3-4 कुछ स्पेशल आइटम है तो ठीक है, शायद अच्छा ही होगा, देखते हैं। चलो एंजॉय करो आप, है ना। तो यार फाइनली बाकी लोगों का शूट करने के बाद अब हमारा खुद का खाने का टाइम आ चुका है। एक बार आप मेरा प्लेट देख सकते हो, कुछ कुछ चीज़ें मैंने कम लिया और वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योर अंडे वंडे कुछ भी नहीं खाता। तो ये पनीर की सब्ज़ी है, ये चिकन नहीं सॉरी पनीर क्रिस्पी वगैरह है, नगेट्स सॉरी तो नगेट्स वगैरह तो मैं खा चुका हूँ, सैलड है, ये क्या नान है, रुमाली रोटी है, बिरयानी है, ये बासुंदी है एंड ब्लू लगून है जो मेरा नहीं है, मैं नहीं खा रहा हूँ। इसके अलावा साथ में प्रणव भाई है। प्रणव भाई कैसा लग रहा है? इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया, इनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है खाना। अच्छा लग रहा है काफ़ी, इनका वैरायटी बहुत, प्लेट देख सकते हो भाई पूरा भरा पड़ा है। बताओ मतलब वैरायटी बहुत कम मिलती है कैंटीन में, मेस पे आज मिला है तो बहुत अच्छा लग रहा है। श्रीतम भाई हमारे फेवरेट, आप बताओ आपका प्लेट खाली हो गया है? क्योंकि आप लेट आ गए, वरना भरा हुआ ही था, मेरे को जैसे देखते ही हर बार भरा हुआ प्लेट आता है, खाली होके जाता है। सिंगलू के बारे में ये बोलना चाहूँगा, इनका मानना है कि वेज नॉनवेज से बेटर है, आपका क्या मानना है? मेरा भी मानना है भाई वेज नॉनवेज से बेटर है, मतलब वेज बेटर है, वेज और नॉनवेज देखो जो लोग नॉनवेज खा नहीं रहे वो तो बोल ही नहीं सकते कि कौन सा बेटर है कौन सा। पॉइंट सही है, पॉइंट सही है, क्योंकि हम कंपेयर नहीं कर सकते। राहुल क्या बोलना चाह रहा है? मैं वेज क्यों ही कहूंगा कंपेयर करने के लिए। ऋतिक आप एग्री करते
ऋतिक आप एग्री करते हैं इसकी बातों से, राहुल की बातों से? राहुल बहुत ही समझदार बच्चा है, उसकी बातों से हमें एग्री करना पड़ेगा। और लेकिन आप कुछ तो प्योर वेजिटेरियन है ना? एंड इसके अलावा विनायक भाई, आप सभी के चहेते बताओ, अभी तो आपने खाना जस्ट स्टार्ट किया है। खाना अभी स्टार्ट किया है, अच्छा लग रहा है टेस्ट में। बाकी वेज नॉन वेज की कंट्रोवर्सी चल रही थी, हम तो ये कहेंगे वेज बेटर है भाई। विनायक भाई भी प्योर वेजिटेरियन है। इसके अलावा विनायक ने हमें एक डेढ़ घंटे वेट कराया है, अभी इनके लिए हम रुके हुए थे। हाँ, ये वेज नॉन वेज की बैटल में हमारे पास एक वेज बिरयानी आई है आज, आज की टीम में तो लोग लड़ रहे हैं कि इसको वेज बिरयानी कहा जाए या ना कहा जाए। वो बोल रहे हमारे बच्चे, उनको पुलाव और बिरयानी में डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट बंदे मान नहीं रहे। देख लो बच्चे हमारे। अब इतने देर से जो हमारे कैमरामैन थे अतिशय, अब उन्हें फ्रेम में लेने का टाइम आ चुका है। एजे, क्या एक्सपेक्टेशन? अभी तो खाना आपने स्टार्ट नहीं किया है। दो तीन चीज़ें अच्छी हैं, ये रबड़ी अच्छी है और ये एक्स्ट्राज अच्छे हैं, बाकी तो नॉर्मल खाना है। तो चलो इसी के साथ अपना मील इंजॉय करते हैं, है ना? एंड बाकी लोगों को तो आप देख ही चुके हो, तो ये कुछ माहौल है। मेस का माहौल एक बार दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि आप लगभग मेस में कुछ इस तरीके का माहौल है यार। बस बहुत हुआ, आप खाना इंजॉय करने का टाइम है। तो यार बस यही देखा ये वीडियो, आई होप आपको खाना और वीडियो दोनों अच्छा लगा होगा। एंड अगर अच्छा लगा होगा तो आपको बताया क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि इसको बदलना है गोल्ड प्ले बटन में। चलो बाय बाय।